हेलो बच्चों कैसे हैं आप आज हम पढ़ेंगे एन की क्लास फर्स्ट की जो बुक है जॉयफुल मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर अलेवन जिसका नाम है हाउ मैनी टाइम्स यानी कितनी बार ठीक है हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार ठीक है यानी एक क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि कितनी बार ठीक है आप देखते नीचे क्या लिखा है विजिट टू एन अम्यूजमेंट पार्क तो एक विजिट है कहाँ पर जाना है अम्यूजमेंट पार्क में अम्यूजमेंट पार्क कौन सी पार्क होती है तो अम्यूजमेंट पार्क ऐसी पार्क होती है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं खेलने के लिए होता है जैसे ये देखो इस फिगर में जो है ये बच्चे इसके ऊपर राइड कर रहे हैं और और काफ़ी चीज़ें उसके अंदर होती हैं नीचे देखेंगे और भी देखो अम्यूजमेंट पार्क के अंदर आपको टॉय ट्रेन भी मिल जाएगी जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं ठीक है और ये देखो ये राइड ये झूला भी मिल जाएगा तो काफी चीज सारी चीजें जो है बच्चों के घूमने के लिए और खेलने के लिए काफी सारी चीजें जो है अम्यूजमेंट पार्क में मिल जाती हैं आपको ठीक है क्या लिखा है ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड एन अम्यूजमेंट पार्क तो बच्चों का एक ग्रुप जो है वो विजिट करता है कहाँ पे जाता है वो अम्यूजमेंट पार्क के अंदर देखो अब क्या है टू ऑफ़ अस कैन सिट ऑन द हॉर्स बोलता हमारे में से दो जो बच्चे हैं वो एक हॉर्स के ऊपर बैठ सकते हैं आई विल सिट विद माई फ्रेंड ये गुड़िया बोल रही है ये बच्चा बोल रहा है कि हम दो जो है एक घोड़े पे बैठ सकते हैं और मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है वो घोड़े पे बैठूंगी देखो यहाँ पे ये घोड़े पे बैठे हुए हैं ठीक है ये घूम रहा है यहाँ पे ठीक है ये यहाँ पे घूमता है और ये घोड़े पे बैठे हुए देखो एक घोड़े के ऊपर दो दो बच्चे बैठे हुए हैं देखो इसके ऊपर भी दो है इस वाले पे भी दो ये पीछे वाली साइड इस पे भी दो और यहाँ पर भी दो तो टोटल चिल्ड्रन आ तो देखो अगर सारे बच्चे कितने बच्चे हैं तो टोटल जो घोड़ों पे बैठे हुए हैं दो दो दो, दो यानी चार घोड़े हैं तो दो दो बच्चे बैठे हुए हैं तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू ये कितना आ जाता है ये बच्चों आ जाता है एट देखो काउंट भी करोगे अगर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो टोटल कितने बच्चे आ गए एट आ गए फिर लिखा है डैश डैश ऑफ अस कैन सिट ऑन द हॉर्स स्विंगिंग ऑल टुगेदर तो सारे लोग कितने बच्चे एक बार में घोड़ों के ऊपर बैठ सकते हैं वो है एट ऑफ अस कैन सिट ऑन द हॉर्स स्विंग ऑल टुगेदर तो सारे के सारे आठ बंदे जो हैं आठ बच्चे जो हैं एक बार में स्विंग कर सकते हैं अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ कैन सिट इन अ टॉय ट्रेन तो बोलता तीन जो बच्चे हैं वो एक बार में टॉय ट्रेन में के ऊपर बैठ सकते हैं वी ऑल विल सिट टुगेदर हम सब इकट्ठे बैठेंगे देखो ये देखो इनका ये ग्रुप बना लिया इनने और ये एक बोगी में बैठ गए. ठीक है तो ये देखो ये ट्रेन चल रही है ये इसका इंजन है ये इंजन है है? और ये देखो बोगीज हैं कितनी बोगीज हैं बच्चों इसमें देखो एक दो तीन और हर एक डिब्बे में हर एक बोगी में कितने कितने बच्चे बैठे हैं देखो इसमें भी तीन बच्चे बैठे हैं तीन इस वाली में भी तीन बच्चे बैठे हैं और जो लास्ट वाली है इसमें भी तीन बच्चे बैठे हुए तो फिर क्या लिखता है देयर आर थ्री बोगीज कितने डब्बे हैं बच्चों तीन है और कितने बच्चे बैठे हुए तीन एक में तीन दूसरे में तीन तीसरे में तो काउंट करेंगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो टोटल कितने हैं नाइन बच्चे हैं ठीक है टोटल uh, कितने चिल्ड्रन कैन सिट इन थ्री बोगीज तो टोटल नाइन चिल्ड्रन कैन सिट इन थ्री बोगीज कितने बच्चे बैठ सकते हैं नाइन बोगीज में थ्री बोगीज में बच्चे नाइन चिल्ड्रन बैठ सकते हैं देखो अब नेक्स्ट आप देखो हेयर वी आर बोलता हम यहां है दिस इज सच आ बिग व्हील ये बहुत बड़ा व्हील है देखो ये क्या है बहुत बड़ा व्हील है एक ठीक है फोर अस कैन सिट टूगेदर बोलता है चार बच्चे जो हैं एक बार में बैठ सकते हैं दे आर आर फाइव कंपार्टमेंट्स कितने कंपार्टमेंट्स हैं फाइव देखो इसमें कितने बच्चे बैठे हैं वन टू थ्री फोर तो हर जो देखो यहां पर भी फोर बच्चे बैठे हैं वन टू थ्री फोर इस वाले में भी चार बच्चे बैठे हुए हैं वन टू थ्री फोर तो सब में चार चार बैठे बच्चे बैठे हुए हैं तो टोटल कंपार्टमेंट्स हैं कितनी देखो फाइव हैं एक तो ये आगे एक ये दो ये आगे तीन ये आ गया चार और ये लास्ट वाला आ गया तो टोटल पांच कंपार्टमेंट्स so, हैं इसके अंदर ठीक है बच्चों और कितने लोग किच्छे बैठ बैठ सकते हैं चार बच्चे देखो देखो इधर लिखा है ये प्लस प्लस का तो so, कितने कितने बच्चे थे हमारे पास फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर बच्चों फोर प्लस फोर कितना होता है एट एट प्लस एट और एट प्लस फोर कितना हो जाता है ये हो जाता है बच्चों कितना ट्वेल्व और ट्वेल्व प्लस फोर करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन तो टोटल कितना आ जाएगा फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर आ जाएगा हमारे पास सिक्सटीन तो टोटल सिक्सटीन चिल्ड्रन कैन सिट इन द स्विंग तो कितने बच्चे बैठ सकते हैं स्विंग के अंदर सिक्सटीन बच्चे जो है वो बैठ सकते हैं अच्छा फिर बोलता है आफ्टर राइडिंग ऑन द स्विंग्स बोलता है स्विंग्स को राइडिंग करने के बाद चिल्ड्रन प्लान टू ईट जलेबीज उनने क्या प्लान किया कि आज हम जलेबी खाएंगे ईच प्लेट ऑफ जलेबी हैज थ्री पीसेस हर एक जो प्लेट है उसके अंदर तीन पीसेस हैं। देखो एक पीस ये दूसरा पीस और ये तीसरा पीस इसके अंदर भी ऐसे ही है एक दो तीन हर एक प्लेट के अंदर तीन तीन पीस जलेबी के हैं ऑर्डर्ड सिक्स प्लेट्स ऑफ जलेबीज उनने कितने ऑर्डर किए प्लेट जलेबी ऑर्डर किया उनने ठीक है देखो कितनी प्लेट्स है एक दो तीन चार पांच ठीक है तो, तो टोटल कितनी प्लेट्स आ गई छ प्लेट्स आ गई तो कितनी कितनी जलेबी हर एक प्लेट के अंदर तीन तीन जलेबी तो ऐसे ऐड करेंगे थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री देखो ये फर्स्ट प्लेट में कितनी जलेबी तीन सेकंड वाली में भी तीन थर्ड वाली में भी तीन जलेबी है फोर्थ प्लेट में भी चार तीन जलेबी है फिफ्थ वाली प्लेट में भी तीन जलेबी है और सिक्स वाली प्लेट में भी तीन जलेबी है ठीक है इन सब को ऐड करें तो कितना आ जाएगा थ्री प्लस थ्री हो जाता है बच्चों सिक्स सिक्स प्लस थ्री हो जाता है नाइन नाइन प्लस थ्री कितना होता बच्चों नाइन प्लस थ्री होता है ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री होता है फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री कितना हो जाता बच्चों एटीन ठीक है देखो इनको काउंट करके देखो वन टू थ्री कलर चेंज करते हैं एक बार ज़रा थोड़ा सा कौन सा करेंगे येलो कलर करते हैं थ्री आ गई ये आ गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो कितनी जलेबी होगी एटीन देखो यहां पे लिखा है सिक्स टाइम्स थ्री देखो कितने टाइम्स थ्री है सिक्स टाइम्स थ्री कितने टाइम्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स टाइम्स थ्री कितना हो जाता है ये हो जाता है एटीन क्या हो जाता है एटीन चलते नीचे नीचे अब क्या है एक बस दे रखी है ठीक है कलर चेंज कर देंगे हम फिर से ब्लू इंडिगो कलर ठीक है नीचे एक बस दे रखी है देखो बस में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं ठीक है देखो इस बस बस में क्या है बच्चे बैठे हुए हैं देखो हर एक सीट के ऊपर दो दो बच्चे देखो दो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं दो बच्चे यहाँ पर भी दो बच्चे इसमें भी दो बच्चे ये सारे दो दो बच्चे बैठे हुए हैं ठीक है ट्रेवलिंग इन द बस तो कितने कितने बच्चे देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ टोटल नाइन यहाँ पे कितने विंडोज हैं और ऊपर दो दो बच्चे बैठे हुए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये कितना टू प्लस टू हो जाएगा सिक्स सिक्स प्लस टू हो जाएगा एट एट प्लस टू कितना हो जाएगा टेन टेन प्लस टू हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू कितना हो जाएगा एटीन ठीक है तो नाइन टाइम्स टू है ना नाइन ये देखो नाइन तक है नाइन टाइम्स टू कितना आ जाएगा आ जाएगा बच्चों एटीन ठीक है फिर लिखा टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बस तो कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बस वो है एटीन कितने लोग हैं बस के अंदर एटीन अच्छा देखो अब क्या लिखा है सम क्रेट्स ऑफ वाटर बॉटल्स आर कैप्ट इन द बस काउंट देम बोलता है कुछ वाटर बॉटल है उनको रखा गया है ठीक है क्रेट जो रखे गए हैं देखो एक क्रेट ये इसको एक क्रेट बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे वन क्रेट बोलेंगे इसको एक क्रेट फिर ये सेकंड वाला क्रेट ये क्या है सेकंड क्रेट टू सेकंड क्रेट है ये थर्ड क्रेट है और ये वाला कुछ जो है ये फोर्थ क्रेट है देखो कितनी कितनी बॉटल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव हर एक रेट में फाइव फाइव आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो हरेक रेट में कितनी पांच पांच बॉर्डर था क्या लिखेंगे हम फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव देखो कितना हो जाता है फाइव आ गया अगर काउंट करने बैठेंगे तो एक आएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह फिर ये सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस तो कितनी आ गई है टोटल बीस आ गई तो ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी बच्चों फोर टाइम्स फाइव कितना हो जाता है ये हो जाता है ट्वेंटी देखो कितनी बार है फोर टाइम्स फाइव है देखो वन टू थ्री फोर तो फोर टाइम्स फाइव कितना आ गया ट्वेंटी फिर क्या लिखा है टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन द बस टोटल नंबर ऑफ बॉटल इन द बस वो कितनी है ट्वेंटी है. है? अब नीचे देखते हैं नीचे क्या है नीचे लिखता है चीनू बॉट इरेजर्स पेंसिल्स एंड एप्पल्स फ्रॉम द शॉप बोलता चीनू ने क्या क्या परचेज किया शॉप से उसने परचेज किया इरेजर रबर जिनको बोलते हैं उनको परचेज किया फिर पेंसिल्स उसने कुछ परचेज किया और फिर कुछ एप्पल्स उसने सेब जो है वो परचेज किया शॉप से फाइंड द टोटल ऑफ ईच आइटम बोलते हैं टोटल फाइंड करना ईच आइटम कितने कितने थी देखो पहले इरेजर की बात करेंगे ए पार्ट में क्या है इरेजर्स देखो तो कितने है? दो इसके अंदर हैं दो इसके अंदर हैं दो इसके अंदर हैं दो इसके अंदर हैं ठीक है, दो, है. दो दो हैं सबके अंदर तो ये टू पहले वाले का टू लिख लिया इसने सेकंड वाले का टू लिखेंगे थर्ड वाले का टू फोर्थ वाले का टू तो कितनी आ गई चार आगे वन टू थ्री फोर तो टू प्लस टू कितना होता है फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट इरेजर्स आ गए तो क्या लिखेंगे हम फोर टाइम्स टू कितना हो जाता है एट टोटल नंबर ऑफ इरेजर्स कितने आगे एट अब नेक्स्ट चलेंगे पेंसिल को देखेंगे अब देखो पेंसिल थ्री थ्री है इसमें भी थ्री है इसमें भी थ्री इसमें भी थ्री इसमें भी थ्री इसमें भी थ्री टोटल है कितनी टोटल है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है देखो एक इसने लिख लिया पहले से ही और लिखेंगे हम कितने बच गए फोर बच गए और वन टू थ्री फोर अब देखो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन तो फिफ्टीन पेंसिल्स आ गई है ठीक है तो फाइव टाइम्स थ्री देखो हैं कि फाइव के नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स थ्री कितना जाता है फिफ्टीन तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी आ गई फिफ्टीन पेंसिल्स ठीक है सी पार्ट में चलेंगे अब सी पार्ट में क्या है एप्पल रखे हैं टोकरियों के अंदर है. अब इनको काउंट करना है देखो एक टोकरी ये दूसरी टोकरी ये तीसरी टोकरी एक टोकरी का इसने लिख लिया सेकंड वाली टोकरी में कितने थर्ड थ्री है थर्ड वाली टोकरी में भी थ्री है देखो काउंट करो वन थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाता है ट्वेल्व एप्पल्स अगर ऐसे भी काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देखो हमने गलत लिखा था तो ये क्या आ जाएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा नाइन एप्पल्स हो जाएंगे ठीक है तो थ्री टाइम्स थ्री कितना हो जाता है देखो वन टू थ्री थ्री टाइम्स थ्री कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने आ जाएंगे नाइन ठीक है बच्चों तो ये था आपका चैप्टर आई होप आपको समझ आ गया होगा थैंक यू